परमेश्वर ने ये अवसर हम सब के जीवन में एक बार फिर दिया कि हम प्रभु की स्तुति करें, हम उनको महिमा दें, हम उनको आदर दें। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का तमाम बातों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में की हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन में काम किए हैं परमेश्वर। और आपके काम परमेश्वर पिता प्रभु आश्चर्यजनक हैं, इसलिए हम परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं एक बार फिर। और जब परमेश्वर हम आपकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, अनुग्रह करिए जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपको आराधना देने वाले हों, ऐसा फजल बख्शिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की हैं। हम आपके पास आते हैं परमेश्वर,
परमेश्वर मेरे दिल को छुए, मेरे साथ हो लीजिए परमेश्वर। यीशु बिनती है खुदा आपसे कि हर बात परमेश्वर हमारी आपको महिमा दे, चाहे हम बोलें, चाहे हम खाएं, चाहे हम पिएं, जो भी हम किए करें परमेश्वर, वो सब बातें आपको महिमा मिले परमेश्वर। उन सब बातों से हम धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ हैं, जो जिंदा हैं आज भी। आपके वायदे कहते हैं परमेश्वर कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे। ओ लॉर्ड हालेलुया, ये हमारे लिए मुश्किल समय में से जब हम गुजर रहे हैं, फिर भी आप हमें संभाल रहे हैं। हम आपके आभारी हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी, हम महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया, हम आपको स्तुति देते हैं। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, दूध नहीं है मुझको। प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और
उन्होंने हमारे साथ वायदा किया कि वो हमें संभालेंगे। आप और मैं चाहे मुश्किल समय में से गुजर के क्यों नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, उन्होंने हमें संभाला है। क्यों ना हम उनकी स्तुति करें, हम उनको प्रशंसा दें। तुझको
मुझको एक बार फिर कहें परमेश्वर आराधना तुझको प्रभु यीशु आराधना तुझको we praise you Lord सारी आराधना परमेश्वर आपको मिले मेरे जीवन से हम सबके जीवन से परमेश्वर केवल और केवल आपका नाम ऊंचा हो हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं समर्पित करते हैं अपने जीवन को करिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए कि स्तुति आराधना के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए आज के दिन जहां कहीं भी आप हैं समर्पित करें परमेश्वर के सामने जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी हर बात परमेश्वर को महिमा दे परमेश्वर से कहें प्रभु जी आपके आज हम चरणों में हैं हम आपके सामने हैं परमेश्वर हम आपको महिमा देने के लिए हैं को स्तुति देने के लिए ओह वी प्रेज यू लॉर्ड जब हम ये अगला गीत गाते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें दिल से निकले तेरी स्तुति मैं करूं प्रार्थना करूं दिल से खो जाए प्रभु की उपस्थिति में दिल से तेरी स्तुति मैं करूं प्रार्थना करूं दिल से
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में साथ हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में साथ हो तेरा, गाते रहे खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में साथ हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का रखवा परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, या आप नहीं जानते कि मैं किस परिस्थिति से होकर के गुजर रहा हूं, चाहे वो खुशी का समय है चाहे वो गम का समय है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जितने भी आप हैं, आप स्क्रीन के सामने हैं, यूट्यूब के माध्यम से हैं, जैसे भी परिस्थिति में आप परमेश्वर के सामने हैं, प्रभु के स्पर्श को, प्रभु के साथ को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हर समय हमारे साथ रहेंगे। जब आप प्रभु की आराधना करें, अपने दिल पे हाथ रखें, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु के स्पर्श को अपने जीवन में महसूस करें, स्तुति करें परमेश्वर की, स्तुति करें। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में साथ हो तेरा, मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना
को अपने जीवन में महसूस करें, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सामने, से कहें परमेश्वर मैं फिर से आपके पास आता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ परमेश्वर, आपको मैं आदर देता हूँ खुदा, आपका अनुग्रह प्रभु मैं बहुतायत से अपने जीवन में अपने परिवार के जीवन में चाहता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह बख्शिए, अनुग्रह बख्शिए खुदा, अनुग्रह बख्शिए खुदा, आई प्रेज यू नेम, praise your name, we praise your name, we praise your name, we praise your name. Hey, Yeshu Dada, mere Khuda, karta hu stuti, aaradhna. Hey, Yeshu Dada, mere Khuda, करता हूँ स्तुति आराधना, फिर से कहें हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता Thank you.
तेरे प्रेम की गहराई को चौड़ाई और लंबाई को तेरे प्रेम की गहराई को चौड़ाई और लंबाई को चाहो प्रभु बस यही है ख्वाहिश मेरी से भी सारा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य सजदा करूं सजदा करूं मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं परमेश्वर पिता हम आपके सन्मुख हैं और हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपको महिमा दें और आपके लिए जिएं। शैतान परमेश्वर हमारे विरोध में बहुत सारी चालें चलता है लेकिन परमेश्वर हम भी अनुग्रह करिए कि हम कभी भी हार ना जाएं इससे और आपका अनुग्रह हम बहुत ऐसे चाहते हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है जैसे हमने गीत गाया है कि हम आप में बढ़ना चाहते हैं हम आपको महिमा देना चाहते हैं इस घड़ी मेरी परमेश्वर आपसे प्रार्थना है हमारे सभी भाई बहनों के लिए हम इसे हरेक की आप सहायता करें कि हम आप में बढ़ पाएं और प्रभु अपने अनुग्रह में आप हमें चलाएं आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद करें अनुग्रह बख्शे परमेश्वर दयालु परमेश्वर हम अपने जीवन को केवल और केवल आपके हाथों में देते हैं आप ही मार्ग हैं परमेश्वर हमारी सब समस्याओं को हल करने वाले आप ही वो परमेश्वर हैं इसलिए परमेश्वर आज हम अपने आप को आपके सामने सजदा करते हैं चुकाते हैं परमेश्वर अपने सरों को आपके सामने और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन पे पूर्ण रूप से नियंत्रण लें दया बख्शे परमेश्वर खुदा सबको आपके हाथों में दे देता हूं मैं जब आपके कलाम में से प्रभु सुनते हैं आप आशीष बख्शे परमेश्वर अपने दास को प्रभु इस्तेमाल करें धन्यवाद आपने हम सबको इस्तेमाल किया है आज के पूरे दिन को आपके हाथों में दे देते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये अच्छे समय जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है कि हम उनके उपस्थिति में रहें और उनकी आराधना करें, और ख़ास तौर पर कलीसिया में आकर उनकी आराधना करना आजकल के समय में इसको हम एक बहुमूल्य समय समझते हैं। इन टाइम्स लाइक दिस टू कम टू द चर्च एंड वर्शिप गॉड टुगेदर विद द सेंट्स, इट इज़ अ प्रिविलेज, इट इज़ इंडीड अ प्रिविलेज। वास्तविकता में देखें ये एक सौभाग्य की बात है। परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करते आ रहे थे, परमेश्वर ने गीतों के द्वारा हमसे बातचीत की। कुछ देर परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और हमारी प्रार्थना होगी कि आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। एक व्यक्ति था थॉमस नामक एक व्यक्ति, अपने ऑफिस में काम करते जा रहे थे। करते समय उनको अपनी सेक्रेटरी से प्यार हो गया, और प्यार होने के कारण बाद में उनकी शादी हो गई। ये बॉस और उनकी सेक्रेटरी की शादी हुई, एम्प्लॉय एंड दी एम्प्लॉयर। हस्बैंड और वाइफ की तरह वो जीने लगे, परंतु जैसे समय बीतता गया वो पति अपने पत्नी को पत्नी की तरह नहीं देखते थे, परंतु अपनी सेक्रेटरी की तरह देखने लग गए। जैसे पहले सेक्रेटरी की तरह देखते थे, एक एम्प्लॉय की तरह देखने लगे। समय बीतता गया, उन दोनों के बीच में जो प्यार है वो कम होती गई, और ऐसा हुआ कि पत्नी को कैंसर हुआ, और बहुत सालों तक वो पत्नी बेड पे थी, और आखिर में वो चल बसी। जब वो पत्नी चल बसी, पति को अपने पत्नी से जो प्यार था उसके बारे में वो सोचने लगा, और वो जल्दी ही बहुत बेबस हुआ, और ही वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज़ वेरी सैड कि ये जिसे मैं प्यार करता था और वो भी चल बसी। फ्यूनरल में वो गए, अपनी पत्नी को दफनाने के बाद जब वापस घर पे आ रहे थे, घर पे आए, घर की जो निचला जो फ्लोर है वहाँ पर बहुत बेबस यहाँ वहाँ पे चलने लगे, बहुत ही चंचल थे। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा चलो मैं ऊपर वाले कमरे में जाता हूँ जहाँ मेरी पत्नी पड़ी होती थी, जिस बेड में लेटी होती थी। तो वो उस ऊपर वाले कमरे में गया, और उस कमरे में जाकर उसका ध्यान उस बेड पे पड़ा जहाँ पे उसकी पत्नी लेटती थी। उस बेड के सामने एक कुर्सी होता था, तो वो उस कुर्सी में जाके बैठ गया, बहुत निराश, वॉज वेरी सैड। और ऐसा ही जब सोचने लगा, सोचते सोचते उसकी नज़र एक डायरी के ऊपर पड़ा जो उसकी पत्नी लिखती थी अपने बेड पे। उसने डायरी को खोला, एक एक पन्ना पलटने लगा, और एक पेज में जब उसने खोल के देखा, वहाँ पे लिखा था, आज मेरे पति ने मेरे साथ लगभग एक घंटा बिताया और मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय ये था। मुझे मानो ऐसा लगा कि स्वर्ग से उतरकर मेरे कमरे में आया हो। उसने दूसरा पेज पलटने लगा, हर पेज में पत्नी की प्यार जो पति की तरफ है वो उन पेजों में जाहिर हो रहा था। एक और पेज उसने पलटा, उस पेज में इस प्रकार लिखा था, आज मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक मेरे पति मेरे पास नहीं आया है, सुबह से लेकर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, उनके पैरों के आवाज़, उनके कदमों की आवाज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और मुझे लगता है मेरा पति नहीं, इस कमरे में नहीं आएगा। पति पेज को पलटता रहा, और आखिर में उसने उस डायरी को फेंक कर उस कब्र के पास भाग कर गया, बारिश के बीच में भाग कर गया, और उस कब्र के ऊपर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, काश मैं जाना होता, आई विश आई हैड नोन हाउ मच यू लव्ड मी, काश मैं जाना होता कि तू मुझसे कितना प्रेम रखती है। मुझे लगता है कई कबार यदि हम परमेश्वर के सन्निधान में होंगे, हम भी यही कहेंगे परमेश्वर से, काश मुझे पता होता कि आप मुझसे कितना प्रेम रखते हैं, आई विश आई हैड नोन हाउ मच यू लव्ड मी। हम अपनी उपलब्धियों में, अपनी योजनाओं में, अपने कार्यक्रमों में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के हम अजनबी रह जाते हैं। वी आर सो मच एंग्रोज इन आर वर्क, इन आर थिंग्स फॉर गॉड दैट वी डू, इन आर मिनिस्ट्रीज,
that we become strangers for the presence of God. उस पत्नी की तरह यीशु मसीह भी अपने प्रेम को फोर्स नहीं करते हैं. God does not force his love over us. He's a meek person. He's humble. अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं. परंतु उस पत्नी के विपरीत परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में बहुत जगह पर बताया हुआ है. God expresses his love. परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम कई जगह पर देखते हैं. परमेश्वर अपने प्रेम को अपने इस किताब में जाहिर किया है. इस किताब को जब आप पढ़ते हैं आप परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं. मेरे साथ निकाले आज के कुछ देर के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसके 5वीं अध्याय पहले आयत से लेकर 3री आयत तक. रोमन्स एपिस्टल ऑफ पॉल टू रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्सेस 1-3. रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय पहले आयत से लेकर 3री आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. यदि आपने बाइबल खोला है, सबने यदि निकाल दिया है ये पत्री, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय पहले आयत से लेकर 3री आयत तक. अतः जब हम अपने विश्वास के द्वारा युक्त घोषित किए जा चुके हैं, परमेश्वर से हमारा पुनर्मेल हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हो चुका है, जिनके माध्यम से विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस अनुग्रह में है जिसमें हम अब अवस्थित हैं. अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में प्रफुल्लित हैं. इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी प्रफुल्लित बने रहते हैं. हम जानते हैं कि क्लेश में से धैर्य, धैर्य में से प्रमाणित चरित्र तथा प्रमाणित चरित्र में से आशा उत्पन्न होती है. और आशा लज्जित कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें प्रदत्त पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है. ये पद्यांश को जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 5वें अध्याय उसके पहले आयत से लेकर 5वें आयत तक, पौलुस शुरुआत करते हैं कई तर्जिमा में इसलिए, कई ट्रांसलेशन में अतः, एंड इन सम ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन इट इज देयरफॉर. नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन, एक स्वाभाविक सवाल जो हम पूछते हैं, किस लिए, क्यों, क्या बात है, किस बात के बारे में आप यहां पे बताना चाहते हैं? तो हम रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके आखिरी आयत को यदि हम पढ़ें, रोमन चैप्टर 4 एंड वर्सेस 25, वहां पर एक वाक्य है. उस वाक्य के बारे में यहां पर पौलुस बात करना चाहता है. रोमन चैप्टर 4 एंड वर्सेस 25, कोई उसको पढ़े. हमारे धर्मी ठहरने के लिए, कई उसके सही ट्रांसलेशन होगा हमारे युक्त ठहरने के लिए, राइटचेसनेस के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए, हमारी सिद्धता के लिए. तो सिद्धता के बारे में यहां पर पौलुस बात कर रहा है, हमारे जस्टिफिकेशन के बारे में. पौलुस रोमियो के पत्री पहले अध्याय से लेकर 5वीं अध्याय तक कहना चाहते हैं कि हमारी सिद्धता कोई कामों के द्वारा नहीं हुआ है. उसके 4 अध्याय पहले आयत से लेकर 8वीं आयत तक यदि आप पढ़ें, पौलुस कहते हैं कोई कार्यों के द्वारा आप सिद्ध नहीं हुए. सिद्ध का मतलब है परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप. उसके 9 आयत से लेकर उसके 12वीं आयत तक वो कहते हैं कोई अध्यादेशों के द्वारा आपकी सिद्धता नहीं हुई है. खतना होने के द्वारा यानी कि सबत लॉ को फॉलो करने के द्वारा आप सिद्ध नहीं हुए हैं, आप युक्त नहीं हुए हैं. और उसकी 13 आयत से लेकर 25वीं आयत तक कहते हैं कि नियम के अनुसरण करने से आप सिद्ध नहीं हुए हैं. यू हैव नॉट बिकम जस्टिफाइड बाई फॉलोइंग द वर्क्स ऑफ द लॉ. बट पॉल सेज यू हैव बीन जस्टिफाइड बाई फेथ इन जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप सिद्ध हुए हैं. अब जब रोमियो की पत्री को हम पूरी तौर पर पढ़ें, यानी कि पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, पौलुस क्या करते हैं, पहले विश्वास के कुछ बातों को बताते हैं, हमारे सिद्धांत के बातों को बताते हैं, उसके बाद पौलुस उसके प्रायोगिक उपयोग के बारे में बताते हैं. ये विश्वास की बातों को हम कैसे उपयोग कर सके. फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट ऑल आवर बिलीव्स एंड देन ही गिव्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू ऑल दैट बिलीफ. रोमियो की पत्री में भी आप देख सकते हैं पहले 11 अध्याय तक पौलुस हमारे विश्वास के सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं. 12वीं अध्याय से जब पौलुस शुरू करते हैं, ये प्रिंसिपल्स को मैं अपने प्रायोगिक जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करूं उसके बारे में पौलुस कहते हैं. परंतु 11 अध्यायों में
जब वो सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, पॉलस चुप नहीं रह सकते. यू नो व्हेन ही टॉक्स अबाउट जस्टिफिकेशन, ही कैन नॉट कीप क्वाइट एंड ही वांट्स टू टेल अस दैट दिस जस्टिफिकेशन इज वैल्यूएबल, यू कैन अप्लाई दैट इन योर पर्सनल लाइव्स. पॉलस अपने आप को शांत नहीं रख सकते. पॉलस बताना चाहते हैं, देखो ये जो सिद्धता के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, ये प्रायोगिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं. You can apply that in our personal life. वही पांचवें अध्याय में हम देख सकते हैं पौलुस हमसे कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिद्ध किया है, परमेश्वर ने आपको युक्त किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है. इसका आप आनंद उठा सकते हैं, प्रायोगिक जिंदगी में आप इसका आनंद उठा सकते हैं. आज मेरा संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं सिद्ध हो गया हूं. Praise be to God, I am justified. कई लोग जब हम सिद्धता के बारे में बात करते हैं, लगता है परमेश्वर ने कर लिया है तो कोई बड़ी, it is a great deal, it is a big deal that God has justified us. बहुत बहुमूल्य बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सिद्ध किया है. उसके हम वही पांचवी अध्याय, रोमियो की पत्री पांचवी अध्याय और उसकी पहली आयत को यदि हम पढ़ें, वहां पे इस प्रकार लिखा है, अतः जब हम अपने विश्वास के द्वारा युक्त, वहां पे युक्त लिखा है, कईयों के तर्जमा में धर्मी लिखा हुआ है. धर्मी बड़ा बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड है. धर्मी धर्म के काम नहीं है, युक्त सही काम, सच्चा काम, राइट वर्क. ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें युक्त किए, घोषित किए जा चुके हैं. परमेश्वर से हमारा पुनर्मेल हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हो चुका है. इंग्लिश में इट सेज वी हैव पीस विथ गॉड. वी हैव पीस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा शांति, परमेश्वर के साथ हमारा बना है. अब एक वास्तविक सवाल पूछूं, मैं आस्क यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यहां में बैठे हुए कितने लोग शांतिपूर्ण हैं? How many of you are peaceful at this moment? कोई भी नहीं है. And that's a fact. सच है, ये सच्चाई, सच्चाई की बात है. और यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर के साथ हमें शांति बनाए दिए हैं. तो पौलुस कौन से शांति के बारे में वहाँ पे बात कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं ये जो शांति के बारे में पौलुस बात करते हैं वो मन की शांति के बारे में है, peace of mind. ऐसा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जहां पर सब बातें सकारात्मक तौर पर आप सब बातों के बारे में सोचते हैं. ये परमेश्वर के साथ जो शांति है, ये कोई भावना नहीं है. इट्स नॉट अ फीलिंग कि मुझे लगा शांति, मेरे अंदर शांति हो. ये एक रिश्ता है, एक नई रिश्ता, एक नई रियलिटी, एक नई यथार्थता, अ न्यू रियलिटी, अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू स्टेटस, एक नई जिंदगी. क्योंकि यदि परमेश्वर के साथ जो शांति मेरी भावना होती तो ये बहुत व्यक्तिगत है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव. आज मैं शांत होऊंगा, कल मैं शांत नहीं होऊंगा. आज मेरे जीवन में बीमारियां हो तो मैं कैसे शांत हो सकता हूं? मैं चंचल होऊंगा. मेरे जीवन में मुसीबतें आएंगी, कर्जा होगा तो मैं शांत नहीं रहूंगा, मैं अशांत रहूंगा. सो यहां पे पौलुस उस व्यक्तिगत शांति के, वो भावना के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो रिश्ते के बारे में बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप. कई लोग सोचते हैं जब हम धर्म यानी कि विश्वास का मेजर काम क्या होता है, विश्वास में आने का मेजर काम क्या होता है, कि हमारे मन में शांति मिले, है ना. मैं कई लोगों से जब तर्क करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि आप विश्वास में आए, परमेश्वर के साथ आपकी शांति बनी रहेगी, लोग कहते हैं शांति पाने के लिए मसीहत में आने की ज़रूरत नहीं है, हम योगा करते हैं तो शांति पा लेते हैं, हम रोज़ सुबह शाम चलते हैं, मन में शांति मिल जाती है. यहाँ पे पौलुस उस तरह की भावना वाली शांति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पीस एज एन एटीट्यूड, but he is talking about peace as a status. Shanti ek rishta, shanti ek yatharthata, ek reality, a new reality that has happened in our life. Ek nayi vastvikta jo mere aur aapke jeevan mein ho jati hai. Aap iske bare mein soche, aapko sir dard ho raha hai, bahut zyada sir dard hai. Aap doctor ke paas jate hain, doctor aapko ek choti si dawai dete hain aur kehte hain ye kha lo, ठीक हो जाओगे, यू नो यू विल फील बेटर. आप क्या वो पसंद करेंगे? उसके बजाय में आप डॉक्टर के पास जाते हैं,
वो डॉक्टर आपको पूरा डायग्नोज करके कहते हैं कि आपका ब्रेन ट्यूमर है। इन दोनों रियलिटी में से कौन सा रियलिटी आप पसंद करेंगे, पहला कि दूसरा? मैं सुनना चाहता हूं, कौन सा पसंद करेंगे? गलत है, फर्स्ट नहीं, दूसरा, क्योंकि आपको आपकी बीमारी क्या है पता करने की जरूरत है। यू नीड टू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिजीज। पहले वाले ने गोली देकर ठीक हो जाओगे, मन में शांति होगी करके बोल के, दूसरा वाला कहता है आपकी बीमारी क्या है, यू हैव ए ब्रेन ट्यूमर एंड यू गॉट टू हैव अ क्योर फॉर इट। मसीहत यानी कि क्रिश्चियनिटी, आपको फीलिंग्स भी है, आपको भावनाएं भी मिलती है, पर भावनाओं से भी बढ़कर यथार्थता, योर रियलिटी क्रिश्चियनिटी शोज यू। मसीहत आपकी अवस्था, आपकी वास्तविकता आपको दिखाते हैं। हमारी वास्तविकता हमारी भावनाओं से भी उत्तम है कि नहीं? यू नो आवर रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर फीलिंग्स। जो हमारी भावनाएं हैं हमारे विश्वास के ऊपर आधारित होना चाहिए, हमारा विश्वास भावनाओं के ऊपर नहीं। मैं एक और बात दोहराता हूं, हमारी भावनाएं आवर फीलिंग्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन आर बिलीव्स। हमारे विश्वास के ऊपर हमारी भावनाएं आधारित होना चाहिए, बजाय कि हमारा विश्वास हमारी भावनाओं के ऊपर। यदि हमारा विश्वास हमारी भावनाओं के ऊपर आधारित है तो हमारा विश्वास क्या होगा कि नहीं? कल मेरी भावना अच्छा है, मैं खुश हूं, तो मेरे विश्वास में क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। यदि कल के दिन मैं दुख हूं तो मेरे विश्वास में क्या होगा? तो मेरी भावनाएं मेरे विश्वास के ऊपर आधारित होना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास मजबूत है इसलिए मेरा भावना भी। परंतु मेरी विश्वास मेरे भावनाओं के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखा है परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर के साथ शांति, पीस विद गॉड। यदि परमेश्वर के साथ शांति के बारे में बात करते हैं, उधार के बाद परमेश्वर के साथ हमारी शांति हुई है, तो उधार से पहले क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम जब युद्ध होती हैं, युद्धों में हम बोलते हैं ना कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है, क्या है? शांति है, शांति बनाए रखे हैं, अभी कोई युद्ध नहीं है। तो शांति नहीं है तो फिर हम क्या बोलते हैं? उनके बीच में दुश्मनी है। सो यहां पे जब पौलुस कहते हैं परमेश्वर के धन्यवाद हो, अतः तुम युक्त होने के कारण परमेश्वर के साथ तुम्हारा शांति बना है, यानी कि ये शांति बनने से पहले, ये पुनर्मेल से पहले मेरे और आपका जो स्थिति क्या था, मैं और आप परमेश्वर के दुश्मन थे। यू एंड आई वी वर एनिमीज ऑफ गॉड। यीशु मसीह के कारण मेरी वो जो रियलिटी है, मेरी यथार्थता है, वो बदल गई है। अब मैं परमेश्वर का दुश्मन नहीं हूं, परंतु परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का मित्र हूं, परमेश्वर के साथ मेरी शांति बनी हुई है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? ये बहुमूल्य बात नहीं है? मेरे और आपके जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो दुश्मनी का नहीं है, वो शांति का रिश्ता है। परमेश्वर जो मुझे देखते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं। ही वॉन्ट्स टू लुक एट मी बिकॉज आई एम जस्टिफाइड, क्योंकि मेरा सिद्धता हुई है। ये सिद्धता बड़ी बात है। कई लोग ये सिद्धता को बहुत ही लाइटली लेते हैं। यू एंड आई बिकॉज वी आर जस्टिफाइड, गॉड लुक्स एट आवर फेसेस एंड ही स्माइल्स एट अस बिकॉज ही नोज दैट वी आर हिज फ्रेंड्स। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम उनके मित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ शांति हमारा बना है। ये शांति व्यक्तिगत शांति, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव फीलिंग। परमेश्वर ने सब लोगों के लिए, जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने युक्त ठहराया है, जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने सिद्ध किया है, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर ने यह शांति दिया है, पीस विद गॉड। मैं समझता हूं यहां बैठे हुए हर एक लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, परमेश्वर ने जिनको सिद्ध किया है, जिनको युक्त किया है, आप परमेश्वर के साथ शांति के एक रिश्ते में हैं। आप परमेश्वर के दुश्मन नहीं है। यू आर नो मोर एनिमीज ऑफ गॉड। द वॉर इज ओवर, द वॉर इज डन अवे विथ, एंड यू आर नाउ इन टू अ न्यू रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट, विद गॉड थ्रू द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां पे पौलुस कहते हैं उसके रोमियो के 5वीं अध्याय की 1वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के साथ हमारी शांति हुई है यीशु मसीह के द्वारा, थ्रू जीसस क्राइस्ट।
यीशु मसीह के द्वारा। ये मेरे और आपके कामों के कारण नहीं है, ये यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें हमारे लिए उपलब्ध की है। जो परमेश्वर जो हमें देख के क्रोधी थे, उनका सारा कोप, उनका सारा क्रोध यीशु मसीह पे लाद दिया गया, जिसके कारण आज मैं और आप परमेश्वर के दुश्मन नहीं परंतु परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखते हैं। कुलोसी की पत्री उसके पहले अध्याय 20वीं आयत पढ़ने का समय नहीं है, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, कुलोसियों पहले अध्याय और उसकी 20वीं आयत, क्रूस पर उनके प्रवाहित रक्त के द्वारा शांति की स्थापना उन्होंने किया है, हैविंग मेड पीस विद द ब्लड ऑफ हिज क्रॉस। With the blood of cross, God has made peace with all of us, and that's why we are at peace with God. What a great privilege! You know, I can say it with confidence that I am at peace with God. परमेश्वर के साथ मैंने शांति बनाए रखा है। आप सब लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को मुक्ति तथा स्वीकार किया है, परमेश्वर के साथ आपने शांति बनाए रखा है। Isn't it a great thing? क्या ये बहुमूल्य बात है? Can you thank God for that justification? क्या परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं वो सिद्धता के लिए? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्या किया आपने? मैंने क्या किया? हमने क्या किया? सिर्फ यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया कि यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए आए, और उस क्षण से लेकर परमेश्वर जब आपको देखते हैं, आपको सिद्ध कर कर देखते हैं, युक्त देखते हैं, और आपकी स्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया है और आपके साथ शांति बरकरार रखा है। सोच के देखिए मेरे साथ, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी कार पसंद आ गई और मैं कार शोरूम में जा रहा हूँ, और शोरूम में जाते ही वहाँ का जो डीलर है वो मुझसे कहते हैं, आप हमारे 500 कस्टमर हैं और इसलिए हमारा एक बड़ा अच्छा एक स्कीम आपके लिए है। वो स्कीम ये है, हम आपको आपके मन पसंदीदा कार मुफ्त में दे रहे हैं। यू नो, वी आर गिविंग यू योर फेवरेट कार फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल यही नहीं, आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी हम दे रहे हैं। आपके इंश्योरेंस, आपके पोल्यूशन, आपका जो भी कुछ, इस कार के जो मेंटेनेंस है, सारा कुछ हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। आपको कैसे लगेगा? अरे ये तो होता रहता है, सब लोग देते रहे, ऐसा लगेगा नहीं। You'll be jumping with joy. आप आनंद के साथ, आप इतने मगन आप हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो अपने कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा था एक कार खरीदने के लिए, परंतु जब मैं वहां पर गया, मुझे मुफ्त में ना केवल कार, उसके साथ इंश्योरेंस, उसके साथ मेरे जो भी बेनिफिट्स है, जो भी मेंटेनेंस है, जो भी पोल्यूशन है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड। पौलुस आके कहना चाहता है, यही बातें कहना चाहता है। पौलुस कहता है, ना केवल परमेश्वर के साथ आपकी शांति हुई है, और उसके दूसरे आयत में, अगर हम उसके दूसरे आयत पूरे 10 आयत तक देखें, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बाइबल में जरा देखें, वहां पर पौलुस तीन बातें कहते हैं, कि तीन बातों में पौलुस कहते हैं कि मैं आनंद उठा रहा हूं, आई एम हैप्पी, आई एम रिजॉइसिंग। क्या क्या बातें हैं? 5वें अध्याय के पहले आयत से लेकर 10वीं आयत तक आप पढ़कर ऑब्जर्व कर मुझे बताएं, व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स दैट पॉल सेज आई एम रिजॉइसिंग इन, मैं प्रफुल्लित होता हूं, मैं खुश होता हूं। पहली बात क्या है? क्या देखकर मैं खुश होता हूं या आनंदित हो जाता हूं? रोमियो 5वें अध्याय पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक, पहली बात, क्या देखकर मैं आनंदित होता हूं? In what do I rejoice? देखते हैं पहले कौन बताते हैं। परमेश्वर की महिमा की आशा में मैं आनंदित होता हूं। दूसरे आयत में लिखा है, परमेश्वर की आशा, महिमा की आशा में मैं प्रफुल्लित, यानी कि मैं आनंदित होता हूं। और दूसरा आनंद की विषय क्या है? उसके साथ ही है, प्रेम हमारे मन में डाल दिए, उससे भी बढ़कर उसके दूसरे के बाद की आयत, नहीं घमंड नहीं, मैं आनंदित होता हूं। मैं किस में आनंदित होता हूं? दूसरे के बाद, हाँ, ट्रिब्यूलेशंस, मेरे दुखों में मैं आनंदित होता हूं। परमेश्वर की महिमा में मैं आनंदित होता हूं, मेरे दुखों में मैं आनंदित होता हूं, और तीसरा आनंद सबसे आखिरी में है, पहले आयत से लेकर 10वीं आयत तक। उसके 10वीं आयत में लिखा है,
परमेश्वर में मैं आनंदित होता हूं. आई रिजॉइस इन गॉड थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आज का मेरा संदेश, अगले हफ्ते भी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. ये पूरे बातों को आनंद के बारे में बात करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट रिजॉइसिंग, द जॉय दैट वी हैव व्हेन वी आर जस्टिफाइड. वो आनंद जो हमारे पास है जब हमारी सिद्धता हो जाती है, जब परमेश्वर आपको सिद्ध कर देते हैं, एक आनंद. यू नो वी रिजॉइस इन गॉड. एंड व्हाई डू वी रिजॉइस? बिकॉज गॉड हैज जस्टिफाइड अस. आज मैं केवल उसके दो भागों को मैं बताऊंगा, उसके बारे में बातचीत करूंगा. पहले आनंद के बारे में यहां पर पौलुस कहते हैं उसके दूसरे आयत में, परमेश्वर की महिमा की आशा में मैं आनंदित होता हूं. आई रिजॉइस इन द होप ऑफ ग्लोरी. वहां पे ही टॉक्स अबाउट, इट्स लाइक आई एम रिजॉइसिंग. हिंदी में एक तर्जिमा जो मैंने पढ़ा, प्रफुल्लित. अब प्रफुल्लित, इट्स अ बिग जॉय. नो, इट्स जस्ट लाइक जंपिंग विद जॉय. प्रफुल्लित मतलब है कि आप खुशी से आप यू नो आप जंप करते हैं, इतनी खुशी आपके अंदर है. और उसका सही तर्जिमा ये है कि मैं गर्व रखता हूं. आई बोस्ट. परमेश्वर की महिमा में मैं गर्व रखता हूं. आई बोस्ट इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. वो तर्जिमा सही क्यों है? यदि आप मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय और उसकी 23 आयत. कोई पढ़े रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय 23 आयत. Romans chapter 2 and verses 23. हाँ, किसके विषय में? व्यवस्था के विषय में तू घमंड करता है. कई लोग व्यवस्था के विषय में घमंड करते हैं. कोई पढ़े तीसरे अध्याय के 27 आयत, chapter 3 verses 27. हाँ, घमंड के बारे में. सांसारिक लोग किस किस बातों में घमंड करते हैं, उसके विपरीत यहां पर पौलुस 5वें अध्याय की 2 आयत में कहते हैं, मेरा घमंड का विषय परमेश्वर की महिमा है. मैं अपने कार्यों पर घमंड नहीं करता हूं, मैं अपने जातीयता पे घमंड नहीं करता. आई डू नॉट बोस्ट ब्रैग ऑन माई एथनिसिटी. आई डू नॉट ब्रैग अबाउट माई वर्क्स, बट आई ब्रैग इन द होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. परमेश्वर की महिमा की वो जो आशा है उसमें मैं घमंड करता हूं. वही पौलुस यहां पर कहते हैं. जो बाइबल में जो आशा के बारे में हम बात करते हैं वो एक निश्चितता है, कोई इच्छा नहीं है. यदि मैं कहूं कि कल बारिश होगी तो आप कहेंगे लगता है, शायद, हो सकता है, यू नो, आई होप. तो वहां पे कोई निश्चितता नहीं है, देयर इज नो सर्टेनिटी. परंतु बाइबल में जब आशा के बारे में बात करते हैं वो निश्चयी अपेक्षा है. इट इज अ सर्टन होप, इट इज अ सर्टन बिलीफ. क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो ऐसा होगा कर हम आशा करते हैं. एक बार जब हम परमेश्वर के महिमा के रहित थे, आप समझना, वंस वी डिड नॉट नो द ग्लोरी ऑफ गॉड. वी वर डिवॉइड ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. बट नाउ यू आर पार्टिसिपेंट इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. एक बार परमेश्वर की महिमा से रहित थे आप, आज आप परमेश्वर के महिमा के सहभागी हो रहे हैं. इसलिए पौलुस कहता है, मैं आनंदित होता हूं. आई रिजॉइस, आई जंप विद जॉय. Once when I did not have the glory of God with me, now I have the glory of God. आज मैं उस परमेश्वर की महिमा में भागीदार होता हूं. सिंपल शब्दों में मैं ये कहूं, साधारण शब्दों में मैं कहूं, यदि हमारी मृत्यु हो जाए आज, हमारी जिंदगी यहां पे समाप्त नहीं है. मैं और आप परमेश्वर के महिमा के साथ भागीदार होने जा रहे हैं. You and I, we are going to be partakers of the glory of God. And Paul rejoices in that reality and he says, I rejoice in the hope of the glory of God. Main parmeshwar ki mahima ke us aasha mein main aanandit hota hoon. Parmeshwar ki mahima ka matlab hai parmeshwar ki mahanata, parmeshwar ki aishwaryata. आप चाहे जितना मर्जी परमेश्वर के उपस्थिति में एक घनिष्ठ संबंध को आप स्थापित करने की कोशिश करें, फिर भी आपको परमेश्वर के उस अत्यंत महिमा का अल्प झलक मिलेगा. नो मैटर हाउ इंटेंस योर मोमेंट्स विद गॉड इज इन फेलोशिप विद हिम, you will have a bare glimpse of the infinite glory of God. God is so glorious. परमेश्वर इतना महान, इतना ऐश्वर्य परमेश्वर है, जितना मर्जी हम प्रार्थना, दुआ,
बाइबल पढ़ने की कोशिश करें, उनके उस महिमा का थोड़ा सा झलक आपको मिलेगा। और यहाँ पे पौलुस कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की महिमा का भागीदार पूर्ण तरीके से एक दिन मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा सिद्धता हुआ है। बिकॉज आई एम जस्टिफाइड विद गॉड, बिकॉज आई हैव पीस विद गॉड, इज व्हाट पॉल सेज। बाइबल में देखें, यूहन्ना आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके 18वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 1:18, वहां पे लिखा है, यूहन्ना जब परमेश्वर की महिमा को उसने देखा, जब यूहन्ना परमेश्वर की महिमा देखने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ? रेवलेशन चैप्टर 1:18 कोई पढ़े। मैं मर गया था। हाँ, देखो वो कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा कि मैं मृतक की तरह हो गया, मैं उनकी महिमा को देख भी नहीं पाया। आई कूडंट बिहोल्ड हिज ग्लोरी, दैट मच ग्लोरियस ही वॉज। वो कितना महिमा में परमेश्वर है, इतने ऐश्वर्य में परमेश्वर, उनको कोई अपने नजर से देख में नहीं पाता है। और यहां पे पौलुस कहते हैं, मैं और आप उनके महिमा के भागीदार होंगे। यू एंड आई विल बी पार्टेकर्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक ऐसा समय आएगा, हमारी संसार की जिंदगी यहां पे समाप्त हो रहा है, परंतु हमारी जिंदगी की कोई समाप्ति नहीं है। एक ऐसी आशा हमारे पास है कि परमेश्वर की महिमा के भागीदार मैं और आप होंगे, परमेश्वर की महिमा को मैं और आप देखेंगे। कोई निकालें प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसकी 4 आयत, Revelation chapter 22 and verses 4. Revelation 22 and verses 4. वे उसका मुंह देख, परमेश्वर का। Can you imagine? You're going to see the face of God. We're going to see Him. We're going to look at Him. परमेश्वर को हम निहारेंगे उनकी महिमा में। उनकी महिमा में कोई उनको निहारता नहीं था। जब जब निहारने की कोशिश की, वो मृतकों की तरह बन गए। यहां पे लिखा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और आप परमेश्वर को उनकी महिमा में देखेंगे। वी गोना सी गॉड इन हिज ग्लोरी। और साथ निकालें कुलोसी के पत्री 3 अध्याय और उसकी 4 आयत, कुलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्सेस 4। कुलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्सेस 4। हाँ, मसीह जब प्रकट होंगे, तुम भी महिमा सहित, हम भी रूपांतरित हो जाएंगे, हमारा जीवन भी, हमारे हम भी पूर्ण तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, सो दैट वी वुड रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवनों के द्वारा प्रकट होगा पूर्ण तरीके से, अत्यंत महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा। पौलुस कहता है, जब मैं इन बातों की, ना केवल मुझे गाड़ी मिली, ना केवल परमेश्वर के साथ मेरा शांति बना रहा, परंतु उनके साथ मुझे इंश्योरेंस भी मिल गया। आई गॉट इन माई इंश्योरेंस। वो है कि परमेश्वर की महिमा का भागीदार मैं हो गया। एक ऐसा संसार होगा जहां पर परमेश्वर की महिमा भरी होगी, उस संसार में मैं और आप जिएंगे। रोमियो की पत्री वहां पे उसके 8 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, वी गोना लिव इन अ वर्ल्ड दैट वुड बी फुल ऑफ गॉड्स ग्लोरी। आज इस संसार में जहां पे हम जीते हैं, यहां पर परमेश्वर की महिमा पूर्णता में नहीं है। You see corruption, you see lot of injustice, whatever is happening. इस संसार के प्रभु ने इस संसार को कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु एक ऐसा संसार में मैं और आप जीने जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा परिपूर्णता के साथ होगा, उस संसार में मैं और आप जिएंगे। पौलुस कहते हैं, जब परमेश्वर की महिमा की आशा के बारे में मैं सोचता हूं, मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। आई जंप विद जॉय because I am going to see the glory of God. What a glorious sight it would be. I cannot wait. मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता जब मैं परमेश्वर की महिमा को मैं देख पाऊंगा। ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ शांति बनाए रखा। God made peace with us. मैं और आप परमेश्वर के दुश्मन नहीं हैं, मैं और आप परमेश्वर के दोस्त हैं, उनके संतान हैं। यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ये बात परमेश्वर ने हमारे जीवनों में संभव किया है। सोच के देखें मेरे साथ, एक सैनिक
जो लद्दाख के रीजन में, लद्दाख के उन ठंड के उन जगह पे सैनिक है, वो बंकर आपको पता होगा, बंकर बनाते हैं और उसके नीचे छुपते हैं, वो बंकर में छुपा हुआ है। उसको महीने की राशन मिलती है और आर्मी जो मिलिट्री के राशन है वो उसको मिलता है, और वो वहाँ पे सुरक्षित है, उस बंकर पे छुपा हुआ है। तो एक दिन एक उसका सैनिक आकर कहते हैं, देखो तुम्हारा नाम लिया गया है, तुम्हें कहा गया है कि तुम इस बंकर से बाहर जाओ, तुम अपने घर पे वापस जा सकते हैं, अपने मम्मी पापा से मिल सकते हैं, एक गर्म पानी में तुम नहा सकते हैं, तुम्हारे मन पसंदीदा खाना को तुम टेस्ट कर सकते हैं, ये सब तुम कर सकते हैं, तुम जाओ और मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो सैनिक वहाँ बैठ के कहता है, मेरा राशन का क्या होगा, मेरी बंकर की सुरक्षा का क्या होगा। मैं और आप उस व्यक्ति के इस लॉजिक पे हंसेंगे, परंतु वास्तविकता में कई बार हमारी भी सोच विचार इस प्रकार का ही है। परमेश्वर की महिमा की आशा में क्या मैं और आप जीते हैं कि नहीं, हम यही सोचते हैं कि मेरे इस संसार में मेरा राशन का क्या होगा। वहां पे महिमा, देयर इज अ ग्लोरी आउट देयर एंड वी आर लॉन्गिंग टू सी दैट ग्लोरी ऑफ गॉड। उस परमेश्वर की महिमा को देखने के इंतजार में है, परंतु हम अपने यहाँ के राशन के बारे में चिंता कर यहाँ पे ही रहने के लिए, हम कई कबार हमारी जिंदगी यहाँ पर ही है कर हम सोचकर अपने जिंदगी को यहाँ पे बिताते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें, कई परमेश्वर के संत लोग परमेश्वर के पास चले गए हैं, कितना महिमा में समय होगा उनका, परमेश्वर के साथ महिमा में वो लोग वास कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ महिमा में वो फेलोशिप कर रहे हैं। व्हाट अ ग्लोरियस साइट दैट वुड बी, एंड वी ऑल्सो लॉन्ग फॉर दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड। पहली बात पॉलुस कहता है, उस महिमा की आशा में मैं प्रफुल्लित होता हूं। मैं और आप हमारी नजरियों को बदल दें, कल क्या होगा कर सोचना थोड़ा सा बदल दें, क्योंकि एक महिमा इंतजार आपका कर रहा है। यू नो देयर इज अ ग्लोरी दैट इज अवेटिंग अस, वी ऑल हैव टू, कल मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, हम सबको एक ना एक दिन वी हैव टू गो, पर सवाल ये है क्या आप सिद्ध हुए हैं कि नहीं। द क्वेश्चन इज, आर यू जस्टिफाइड दिस मॉर्निंग, क्या परमेश्वर के साथ आपकी शांति बनी है कि नहीं। यदि शांति नहीं बनी है, आप सोच के देखें कितने बातों से आप वंचित हो रहे हैं, मैनी थिंग्स यू आर बींग डिवॉइडेड ऑफ। यदि आज सुबह के समय जब मैं बात कर रहा हूं, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, परमेश्वर के संतान आप अभी भी नहीं हैं, ये अवसर आपका है। हमें पता नहीं कल हमें अवसर मिलेगा कि नहीं, संसार में जो भी बातें हम देखते हैं, हमें पता नहीं कल हमारे पास अवसर होगा कि नहीं। जो अवसर हमारे पास है ये बहुमूल्य है। द टाइम दैट वी हैव इज प्रेशियस। इन समय में परमेश्वर के साथ शांति बरकरार रखें, परमेश्वर के साथ पुनर्मेल करें, यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा, द परफेक्ट वर्क ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस हैज अकम्प्लिश्ड पीस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। जल्दी जाए हम दूसरी बात में, वो जो क्यों आनंदित होता है, और मैं समाप्त करूंगा। दूसरी बात जो पौलुस कहते हैं कि मैं आनंदित हूं, कोई मेरे साथ निकालें पांचवी अध्याय रोमियो की पत्री और उसकी तीसरी आयत verses 3, एंड आई विल क्लोज क्विकली। केवल ये ही नहीं, कई तर्जिमा में लिखा है इतना ही नहीं, हाँ, हम क्लेशों में भी, अरे 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 पौलुस अभी क्या क्या कहना चाहते हैं। अभी तक पौलुस बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि नहीं, कह रहे थे कि परमेश्वर की महिमा उसको हम देखेंगे, परमेश्वर की महिमा के साथ सहभागिता करेंगे। अब देखो क्लेशों के बारे में, he's talking about tribulation and he's talking about problems that comes in one's life, aur paulus kehte hain keval yahi nahi parantu hum apne kleshon mein bhi, hamare problems mein bhi, hamare difficulties, hamare jeevan mein jo bhi mushkilate aati hain unme bhi hum aanandit hote hain, kyunki ye mushkil, ye klesh hamare charitra ko banata hai। These tribulations develop our characters and they come so fast when we and you and I, when we go through tribulations and difficulties, your character is being developed,
हमारे चरित्र बन जाता है। आत्मिक परिपक्वता का एक बहुत ही जल्दी मार्ग है, यू नो इट्स अ फास्टेस्ट वे टू अटेन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी व्हेन यू गो थ्रू ट्रिबुलेशंस। एंड आई विल एक्सप्लेन, मैं उसको समझाऊंगा। आत्मिक परिपक्वता बनना यानी कि आत्मिकता में आप बढ़ने के लिए जीवन में उन संघर्ष, जीवन में वो मुश्किलें आनी चाहिए, तभी हमारे आत्मिक चरित्र बढ़ता है, हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। आगे पढ़ें, वहां पे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ें। हाँ, यह जानते हुए कि क्लेश से धैर्य उत्पन्न होता है, नोइंग दिस। अब बाइबल में दो तरह के जानकारी के बारे में बात करते हैं। एक जानकारी है जिसको ग्रीक में हम बोलते हैं कि नोस्को, जो कि आप कोई स्कूल में जाते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं और आपको जानकारी मिलती है बुक्स के द्वारा। और दूसरी जानकारी है, वो है, इसको एडो बोलते हैं, वो है अंतर्बोध का ज्ञान, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। एक ज्ञान जो आपके अंतर्बोध में है, आपकी, आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदरूनी तौर पर वहाँ पर वो ज्ञान है। और ये ज्ञान सबके पास नहीं है, बाइबल में लिखा है ये केवल विश्वासियों के पास ये ज्ञान है, जो लोग सिद्ध हुए हैं उनके पास ये ज्ञान है कि जब मैं मुश्किलों से होकर जाता हूं, मेरे मुश्किल धैर्य में उत्पन्न हो जाती है। When I go through those tribulations, for I know these tribulations produces perseverance in my life। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 आयत हम सब जानते हैं, वहां पे क्या लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं, फॉर आई नो, क्या लिखा है रोमियो 8 के 28 में, रोमियो 8:28, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न। हम जानते हैं, ये जानकारी बुक पढ़ने के द्वारा नहीं, ये जानकारी बाइबल कॉलेज में जाने के द्वारा नहीं, चर्च में आने के द्वारा नहीं, क्योंकि आप विश्वासी हैं, क्योंकि आप सिद्ध हैं, ये जानकारी आपके अंतर्बोध में है। दिस इज देयर डीप विद इन यू, दिस नॉलेज दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, एंड दैट्स व्हाट पॉल सेज हियर। ये जो जानकारी जो मैं प्राप्त कर रहा हूं, हम जानते हैं कि ये मुश्किलें हमारे धैर्य के लिए उत्पन्न होती है। आगे पढ़ें, वही उसी आयत को एक और बार पढ़ें, पांचवी, तीसरी आयत, 5 अध्याय की तीसरी आयत रोमियो। हाँ, क्लेशों में भी घमंड करे, हाँ, क्लेश से धीरज, कोई इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश ब्रिंग्स, हाँ, produces, brings forth. In some translation, it is like brings forth. Suffering produces, brings forth. You know, that word brings forth is a very beautiful word. Greek, Yunani mein ek bahut acha ek word hai. Aapne dekha hoga, kabhi jab toothpaste hai na, jab khatam ho jati hai, आप क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं है, हम सब लोग करते हैं अपने घरों पर ना, जब toothpaste खत्म होने के time पे होगा तो हम क्या करते हैं, नो उसको यू जस्ट स्क्वीज इट, अब दबाते रहते हैं ताकि थोड़ा सा पेस्ट। हमारे जीवन में जब वहां पे वही, ये कहने का मतलब ये है, ब्रिंग्स फोर्थ का मतलब यही है कि हमारे जीवन में जब वो मुश्किलें आती है, व्हेन यू आर स्क्वीज्ड, व्हेन लाइफ्स डिफिकल्टी स्क्वीजेस यू डाउन, यू नो दैट ब्रिंग्स फोर्थ परसीवरेंस। आपके जीवन में धैर्य, जब आपके जीवन में मुश्किलें आती है, वो धैर्य उत्पन्न करता है। ये केवल विश्वासी लोग धैर्य को दिखाते हैं अपने जीवनों के मुश्किलों के समय में। आप चारों तरफ देखें, मसीहत को देखें, कितने लोग यीशु मसीह के नाम के कारण पीड़ित हैं, हाउ मेनी पीपल सफर, बट दैट ब्रिंग्स फोर्थ देयर परसीवरेंस, दैट ब्रिंग्स फोर्थ देयर पेशेंस दैट दे हैव इन क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, दे डोंट गिव अप। लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, आप नहीं छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज्ञान उनके अंदर पहले से ही भरा हुआ है परमेश्वर ने, क्योंकि वो सिद्ध है उनके मुश्किलों के कारण उनके जीवन में से धैर्य बाहर निकल आती है, इट्स ऑलरेडी देयर। दीज ट्रबल्स, दीज ट्रिबुलेशंस ब्रिंग्स फोर्थ पेशेंस। पेशेंस को ग्रीक में, जब हम ग्रीक पढ़ते हैं, एक वर्ड जो हमें हमेशा सिखाते हैं और वो वर्ड को हम मजाक भी उड़ाते हैं, हमें बोलते हैं दैट वर्ड इज हुपामोने, है मलयालम में हुपामोने, इट्स अ वेरी फनी वर्ड, बट हुपामोने इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड एज पेशियंस,
पेशेंस, परसिवरेंस, हुपम होने का मतलब है कि आप मेनो इज रिमेन एंड हुपो इज अंडर, किसी के नीचे आप क्या करें, अधीनता में रहें. कभी आपने समुद्र में, तो कम लोग गए होंगे, यदि आप समुद्र में गए हो या यानी कि नदी है वहाँ पे गए हो, आपने देखा होगा कि व्हेन यू प्ले बॉल के साथ, आप वहाँ पे खेलते हैं और आप बॉल को दबाने की कोशिश करते हैं, यू नो यू ट्राई टू पुट दैट बॉल अंडर वाटर, क्या होता है, नो देयर इज अ प्रेशर दैट कम्स, एक प्रेशर है कि आपको ये बॉल क्या करे ऊपर को, पर आप क्या करते हैं, अपने हाथ से उसको क्या करते हो, दबा के रखते हैं. You know, the pressures of life, when it comes, you are staying under. And that's what it says. When pressures of life comes and disturbs us, when it, you know, makes us bail out, we don't bail out. We say we remain under God. Parmeshwar ke adhinita mein hum rehte hain. Kai logon ke liye, humme se kai logon ke liye jo mushkilein hain, choti moti mushkilein, jab sir dard ho jata hai, जब दांत में दर्द होती है, हम उसको इस तरह की ट्रिबुलेशंस कहते हैं. ये ट्रिबुलेशन, यदि हम गाड़ी पार्क करने जा रहे थे, पार्किंग लॉट नहीं मिला, तो मुश्किल है परमेश्वर ने, दैट्स नॉट द ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ. लाइफ हैज गॉट मोर ट्रिबुलेशंस, मोर ट्रबल्स, एंड वी एज बिलीवर्स मस्ट एक्सपेक्ट दोज ट्रबल्स, एंड दैट्स व्हाट बाइबल सेज. यीशु मसीह तभी कह रहे थे कि संसार में, जगत में बहुत सारे क्लेश तो होगी, क्लेश होगी. एक विश्वासी के जीवन में यदि क्लेश नहीं है तो एक विश्वास की जिंदगी नहीं है, क्योंकि उन क्लेशों के द्वारा ही हमारे धीरज, हमारे धैर्य दिखता है. इसलिए माता पिता होने के कारण कई कबार हम क्या अपने बच्चों को ना करते हैं, क्यों ना कहते हैं, वाई डू वी से नो टू आवर चिल्ड्रन, क्योंकि हम उनके जीवन में एक धैर्य देखना चाहते हैं. यू नो वी वांट टू सी दैट परसीवरेंस, दैट पेशेंस इन देम, दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स वी से नो टू आवर चिल्ड्रन. ये जो बात है, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल का बहुत ही विपरीत बात मैं कहता हूँ, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ऐसा है, आजकल बहुत सारे ऐसे सुसमाचारों को आप सुनोगे जो कहते हैं आप यीशु मसीह में आओ, आपको गाड़ी, बंगला, घर, आपको सब कुछ मिलेगा. मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह में आओ, आपको मुश्किलें और मुश्किलें और मुश्किलें मिलेगी. जैसे पहले मुश्किल था, उस मुश्किल से ज़्यादा आपकी मुश्किलें होगी. वचन में लिखा है, क्योंकि मुश्किलें आपके जीवन में जब आती हैं, वो आपके जीवन में धैर्य प्रोड्यूस. हमारे जीवन इस संसार में, इसलिए मैं जैसे जो पहले दृष्टांत मैंने कहा वो सैनिक के बारे में, हम इस बंकर के अंदर अपने राशन से खुश होना चाहते हैं, बजाय कि घर जाकर अपने परिवार के साथ एंजॉय करें. There is a hope that is awaiting us, and that is what we are looking forward to, but we are satisfied in the provisions that we have here on earth. Yadi jeevan mein bail out karne ka yadi aapko kabhi bhi man kare ki main haar gaya hum, main chhodna chahta hum, vishwas ki zindagi ko chhodna chahta hum, aap Abraham se puchna, Abraham aapko Moria parvat dikhayega, wo Moria parvat jahan pe mujhe वो सफरिंग है ना, वो जो बिटर कप है, वो जो कड़वाहट का जो कटोरा है, उस कड़वाहट की कटोरे में कई कबार हमारी आशीषें भरी होती है, उन मुश्किलों के कटोरे में हमारी आशीषें भरी होती है, उन मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ता है. याकूब से पूछे कि याकूब व्हाई डिड यू, आई मीन हाउ कुड यू स्टैंड स्ट्रांग. याकूब दिखाएगा वो है ना पत्थर का सिराना. He would show you that stone pillow. You ask Joseph. Yusuf se puche. Yusuf dikhayega wo karagrah hai, wo bandigrah hai, jahan se uska dhairya ko wo dekh paya. Musa se puche. Musa wo marbhumi dikhayega. He would show you those wilderness. You ask any people of God, they would show you. Daniel ko dikhaye. Daniel se puche. Daniel, kaisa tha? Daniel dikhayega wo sher ka gufa, जहाँ से परमेश्वर ने उसके धैर्य को बना के रखा. पत्रस से पूछे, पत्रस वो तिरस्कार का एक समय बताएगा कि एक समय जब मैंने परमेश्वर को तिरस्कार किया. दैट वुड हैव बीन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम दैट ही हैड टू गो थ्रू. द लॉर्ड हु हैज कॉल्ड हिम, ही डिनाइड हिम. आप पूछ के देखिए यूहन्ना से, वो पत्मोस का वो टापू दिखाएगा. यू नो मैनी टाइम्स वी फील दैट थिंग्स शुड बी ऑल गुड फॉर अस, थिंग्स कैन नेवर बी गुड for the people of God when they are on this earth. Write it down. आप ये बात को अपने मनों में
इसको इस बात को निश्चय रखे परमेश्वर के जनों को, इस संसार में कोई आरामदायक जिंदगी नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि हमें मुश्किलों से होकर गुजरना है, उन मुश्किलों में ही हमें धैर्य मिलता है, हमें धीरज मिलता है। हम आगे जल्दी हम आगे जाएं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, धैर्य के कारण, धैर्य के कारण, हाँ, नहीं, धीरज से खरा निकलना, कई तर्जमा में है प्रमाणित चरित्र। उस धीरज के कारण हमारा चरित्र उत्पन्न होता है, हमारे चरित्र बन जाती हैं, उस धीरे धैर्य के कारण हमारा चरित्र अच्छा हो जाता है। यू नो वी आर रिफाइंड, जस्ट लाइक गोल्ड इज रिफाइंड। मैंने ये इलस्ट्रेशन कई कबार कहा हुआ, जैसे गोल्ड को प्यूरिफाई करते हैं, वो धैर्य के कारण हमारा चरित्र बाहर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अय्यूब कहते हैं, बट ही नोज अ वे दैट आई टेक व्हेन ही टेस्टेड मी। अय्यूब उसके 23 और उसकी 10वीं आयत में, जब परमेश्वर मेरा परीक्षा ले लेगा तब एक सोने की तरह मैं खरा उत्पन्न होऊंगा। आई शैल कम आउट एज गोल्ड व्हेन ही हैज टेस्टेड मी। सो टेस्टिंग्स आर पार्ट ऑफ अ बिलीवर्स लाइफ। इसलिए पौलुस कहता है, जब मैं उन मुश्किलों से होकर जाऊं, उन क्लेशों से होकर जाऊं, उन क्लेशों में मैं क्या कर रहा हूं, मैं आनंदित कर रहा हूं, मैं प्रफुल्लित होता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में वो क्लेश आई। थैंक्स बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड दैट आई हैव दोज ट्रबल्स इन माई लाइफ, बिकॉज फ्रॉम दोज ट्रबल्स माई कैरेक्टर इज बींग मेड। मेरा चरित्र, मेरा प्रमाणित चरित्र बन रहा है। विलियम कैरी इंडिया में एक बहुत अच्छे एक मिशनरी थे, आप सब जानते हैं, इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस। ही केम फ्रॉम ब्रिटेन से आए, जब ब्रिटेन इंडिया में आए, और उनका काम था तर्जिमा करने का, ट्रांसलेशन काम, और वो भाषाओं को सीखते थे और बाइबल की अनुवाद करने की कोशिश करते थे। तो एक बार वो उस प्रादेशिक भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे थे, सीख रहे थे, और ब्रिटेन से उनको एक असिस्टेंट को भी भेज दिया गया कि ये असिस्टेंट आकर आपको हेल्प करेंगे। सो दे बोथ गॉट टुगेदर, दोनों मिलकर वो लोग बाइबल की तर्जिमा करने की कोशिश कर रहे थे, तर्जिमा कर रहे थे, बाइबल ट्रांसलेट की, और कई डिक्शनरीज ट्रांसलेट किया, कई ग्रामर ट्रांसलेट की। एंड वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ कि विलियम कैरी कोई काम के लिए गए थे, और काम में जाने के बाद जब वापस आए, उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस को देखा, पूरा जला हुआ अवस्था में, एवरीथिंग इज बीइंग बर्न्ड। यू नो हिज, इतने सालों का जो उनका मेहनत है, जो मेहनत होगा, अगर मैं और आप उसकी जगह पे होते, यू नो व्हाट विलियम कैरी सेड। उस समय विलियम कैरी ने एक प्रार्थना की वहां पे, कहा, परमेश्वर धन्यवाद हो कि आपने मुझे बल दिया है, आई हैव स्ट्रेंथ दैट आई कैन वर्क अगेन। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर दैट केम आउट बिकॉज ऑफ द परसिवरेंस दैट ही हैड इन द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर में धैर्य उसका था, इस प्रकार का चरित्र को वो दर्शा पाया। वो कहने लगा, परमेश्वर धन्यवाद हो कि मेरे अंदर अभी भी बल है कि मैं वो काम दोबारा से कर सकता हूं। हाउ मेनी टाइम्स वी गिव अप, कितने बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हम ही आप छोड़ देते हैं, हम सवाल भी करते हैं कि क्या ये विश्वास में रहना सही है या नहीं है। आप कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ये आपकी परीक्षा है, दिस आर टेस्टिंग। परमेश्वर आपके धैर्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर मुझे बना रहा है। उन मुश्किलों के द्वारा ही परमेश्वर जिस प्रकार का एक इंसान हमें बनाना चाहते हैं, उस प्रकार के इंसान परमेश्वर हमें बनाते हैं। आखिरी बात को हम पढ़ें और हम समाप्त करें, आगे पढ़ें, और ये चरित्र, हाँ हाँ और ये चरित्र, ये प्रमाणित चरित्र आशा में उत्पन्न होती है, और ये आशा परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने, वहां पे लिखा है कि होली स्पिरिट हैज पोर्ड दिस लव। समबडी प्लीज हेल्प मी रीडिंग इन इंग्लिश, चैप्टर 5 एंड वर्सेस, यस,
God's love has been poured into our hearts. It's not sprinkled. It's not just injected. It's poured. When it says it's poured, that means it overflows. The love of God overflows. It is not contained within me, but this love just overflows because God has poured His love in us. परमेश्वर ने उनके प्रेम को हमारे अंदर उंडेल दिया है और वो प्रेम भरकर हम दूसरों तक परमेश्वर के प्रेम को दर्शाते हैं, दूसरों तक परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं और ये प्रमाणित चरित्र आशा को उत्पन्न करते हैं हमारे जीवनों में. हम अपने आप को परख कर देखें, क्या आप वास्तविकता में आपके उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं? डू यू रियली थैंक गॉड फॉर द सेल्वेशन? आई ऑलवेज थैंक गॉड. आई ऑलवेज टेल गॉड, गॉड I'm so thankful that you saved me. Dhanyavad Parmeshwar. You know, sometimes I interact with my friends and I tell them, much more than everything else, baki sab baaton se badhkar, ek baat jiske liye main apna dhanyavad band nahi kar sakta, wo hai Parmeshwar, aapke uddhar jo aapne mujhe diya hai. You know, I am saved. I have this confidence that I'm going to be partaker of the glory of God. उस परमेश्वर के महिमा के सहभागिता में सहभागी होऊंगा. यहां पे बैठे हुए आप सब लोग, आप इस बात का धैर्य निश्चय रखें क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिद्ध किया है. परमेश्वर की शांति आपके साथ है. ये शांति, जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई भावना नहीं है. आपका रिश्ता में एक बदलाव हुआ है. आप परमेश्वर के दुश्मन नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं. परमेश्वर के साथ शांति आपकी है और क्योंकि परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखे हैं, किसी भी समय आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं. नो मैटर व्हाट, यू कैन अप्रोच गॉड एट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू हैव पीस विद हिम. डू नॉट बी डिस्करेज, डू नॉट जस्ट से दैट मैं क्यों परमेश्वर के पास जाऊं, परमेश्वर के साथ तो मेरी दुश्मनी है. मैं बहुत महीनों से परमेश्वर से दुआ नहीं की, मेरी आत्मिकता में मैं बहुत पीछे हूं. देर नहीं है, अभी भी देर नहीं है. आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका शांति बना हुआ है. यू आर एट पीस विद गॉड, गो टू हिम. ही इज देयर टू लिसन टू अस. कैन वी जस्ट थैंक हिम फॉर द सेल्वेशन? कैन वी जस्ट थैंक हिम फॉर द जस्टिफिकेशन? उस परमेश्वर के सिद्धता के लिए क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं? परमेश्वर ने ना केवल हमें शांति दिया है, उस शांति के साथ परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है परमेश्वर की महिमा के सहभागी हम होंगे. एक बार एक व्यक्ति जीवन में सब कुछ खोकर यात्रा कर रहा था. उसके परिवार, उसके धन दौलत, उसकी नौकरी, सब कुछ खो दिया उसने. एवरीथिंग ही लॉस्ट, हिज फॉर्च्यून इन लाइफ. सफर करते समय एक चर्च को उसने देखा. एक चर्च, वो चर्च के आसपास लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग काम कर रहे थे. तो उसने एक व्यक्ति को देखा. वो व्यक्ति एक छोटा सा, एक पीस, ट्रायंगल का पीस, उस पीस में काम कर रहा था. तो इस व्यक्ति ने पूछा, जो सब कुछ खो दिया था जिसने अपने जीवन में, उस मजदूर से पूछने लगा, आप ये छोटे से पीस इस पे क्यों काम कर रहे हो? ये छोटा सा पीस इतना बड़ा चर्च के लिए, मतलब डजंट मेक अ डिफरेंस. आई मीन, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? तो उस व्यक्ति ने, वो जो कारीगर था, उस व्यक्ति ने इसको कहा, आप उस चर्च के ऊपर को देखो जरा. तो व्यक्ति ऊपर देखने लगा, कहा कि वहां पे एक छोटा सा एक ब्लॉक निकला हुआ है, आप देख रहे हैं? कहा, हाँ मैं देख रहा हूं. तो कहा कि वो ब्लॉक ये है. वो जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, समझ गया. कई के बार परमेश्वर हमें यहां पे फाइन करते हैं, रिफाइन करते हैं, that we may fit there, वहां पे फिट होने के लिए. जीवन में मुश्किलें आती हैं ताकि हमारे चरित्र को परमेश्वर बनाता है. हमारे जीवन के धैर्य परमेश्वर देता है. हमारे जीवन के perseverance, patience, hope, he makes our character proven. Why? Because we can be fitted there, up there. We would reflect the image of Jesus Christ up there.
We would reflect the glory of God up there. And that is why He prunes us, He makes us. जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, धन्यवाद दें परमेश्वर को, धन्यवाद दें. मुश्किल है, it is difficult. Practically speaking, it is very difficult. But thank God that God, you've never left me. In those troubles, in those difficult times, I know that you are with me. Because you are making me, O God. आप मुझे बना रहे हैं, मैं अकेला नहीं, I'm not an orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ. आप मेरे साथ हैं, आप मेरे परमेश्वर है, आप मेरे पिता है. उन मुश्किलों में आप मुझे बना रहे हैं. क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें. Let's all close our eyes and thank God for the salvation that He has given us. We thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर वो सिद्धता के लिए. We are justified because of the work of Jesus on the cross. यीशु मसीह के क्रूस पे उस कार्य के कारण हम सिद्ध हैं परमेश्वर. धन्यवाद हम करते हैं उस शांति के लिए प्रभु. जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन मुश्किलों में हम आपके उद्देश्य को देख पाए, उन जीवन के संघर्षों में आपके उद्देश्य को देख पाए प्रभु. इन दोस ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ वी मे लुक एट योर पर्पस, योर इटर्नल पर्पस. फॉर योर वर्ड सेज That all things work together for good to those who love God. कि सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं जो परमेश्वर से प्रेम कर रखते हैं. ये सारी मुश्किलें भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं प्रभु. इस संसार में यदि भलाई ना मिले, आपकी महिमा के भागीदार हम होंगे, उस आशा में हम जीते हैं प्रभु. इसलिए हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं. That's why we don't give up, we don't bail out, we are not discouraged. For we know that we are going to be partakers in the eternal glory, the glory that never fades away, the glory that never diminishes. We're going to be partakers of that glory. उस महिमा के हम भागीदार हैं प्रभु. धन्यवाद हम आपको करते हैं. धन्यवाद करते हैं उन मुश्किल समयों के लिए प्रभु. हमारी प्रार्थना है उन मुश्किलों में हम धैर्य के साथ, उन जीवन के संघर्षों के सामने प्रभु जी धैर्य के साथ आप में हम बने रहें. That may we remain in you, Lord, remain in your love, that we may never give up. For we know that these troubles produces perseverance. And the perseverance produces character in us. You are preparing us, oh God, to be just like you, reflecting your image. आप हमें बना रहे हैं प्रभु ताकि हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे शरीरों के द्वारा आपका झलक दिखे प्रभु. आप हमें उस उत्तम पात्र बना रहे हैं ताकि हम स्वर्ग में प्रभु फिट हो पाए. That we may fit in the heavenly places. Thank you, Lord. We are so thankful for this salvation. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आपकी आनंद हमारे जीवन से हम दिखा सके प्रभु. वो आनंद जो व्यक्तिगत नहीं, जो सब्जेक्टिव नहीं है, जो आपने सबके लिए उपलब्ध किया है. That joy that you have given to everyone who belongs to you, Lord, because of your death on the cross. And our prayer is, Lord, help us to be thankful at all the moments and never give up. हर समय धन्यवादी हम रहें प्रभु और कभी हिम्मत ना हारें. प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी तक आपके संतान नहीं बने हैं, जो अभी तक आपके उद्धार को अनुभव नहीं किया है. प्रभु जी होने दे, आपके प्रेम में वो स्पर्श हो जाए, आपके प्रेम में वो आकर्षित हो जाए और आपके स्वर्ग के वारिस बने प्रभु. और हम सब लोग जो आपके संतान हैं, जिनको आपने सिद्ध किया है, हमारी प्रार्थना है जीवन भर जब तक हमारे जीवन में श्वास है, हमारे अंदर प्राण है प्रभु, आपकी स्तुति आराधना में हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाए. धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थना सुना. मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं.